नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। इस वक्त भारत और चीन के बॉर्डर पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और इस बीच खबर ये मिल रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। लगातार चाइना की तरफ से भड़काऊ हरकतें की जा रही है जिससे लगातार भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है चीन। और इसी बीच जहां चीन की तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश की गई और अब चीन के विदेश मंत्री की तरफ से जो बयान आया जिसमें भारत चीन बॉर्डर पर विवाद नहीं सुलझाने पर हमेशा के लिए दिक्कतें होने की बात कही गई, ऐसे भड़काऊ बयानों से जहां भारत और चीन की बॉर्डर पर चीन के बॉर्डर पर इस वक्त तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इस वक्त की ये अहम खबर, चीन ने एलएसी पर अपने लड़ाकू विमान भी तैनात कर दिए हैं। इस वक्त की ये अहम खबर, पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान J20 चाइना की तरफ से तैनात किए गए हैं। वहीं भारत में भी हलचल तेज है, भारत की तरफ से भी बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और एनएसए अजीत डोभाल ने भी अधिकारियों के साथ बैठक की है। और इस बीच खबर ये मिल रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उच्च अधिकारियों से बैठक शुरू कर दी है, हाई लेवल मीटिंग चल रही है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। इस वक्त की ये बड़ी खबर, भारत और चीन की सीमा पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, चाइना की तरफ से लगातार भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, जहां चाइना के ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया है कि अगर भारत चाइना से भिड़ा तो 1962 से भी ज्यादा बड़ा नुकसान भारत को उठाना पड़ेगा। इस तरह के भड़काऊ बयान चीन की तरफ से दिए जा रहे हैं जिसके बाद अब भारत और चाइना के बॉर्डर पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। एलएसी पर जहां अब चाइना की तरफ से लड़ाकू विमान भी तैनात कर दिए गए हैं और उसके बाद भारत ने अब बैठकें शुरू कर दी हैं। एनएसए अजीत डोभाल की बैठक और उसके तुरंत बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं भारत और चीन की सीमा एलएसी पर। यह तनावपूर्ण स्थिति जिसके बाद बैठकों का दौर शुरू हो गया है। 29 और 30 की दरमियानी रात को जहां चाइनीज सैनिकों ने हथियारों के साथ घुसपैठ करने की कोशिश की थी दक्षिणी किनारे से, पीएलए ने पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे से घुसपैठ की कोशिश की जिसे भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर दिया, जिसके बाद अब भारत और चाइना के बॉर्डर पर स्थिति सामान्य बिल्कुल भी नहीं है। चाइना की तरफ से लड़ाकू विमान तैनात किए हैं तो भारत भी कमजोर नहीं है, भारत की तरफ से भी लगातार चीन को कड़ी आंखों से टक्कर दी जा रही है, लगातार उसके मंसूबों को विफल करने के लिए भारत डटा हुआ है। भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब चाइना को हमेशा दिया है और अब भी चाइना की गीदड़ भपकियों से भारत डरने वाला नहीं है, बल्कि भारत चाइना को उसी की जबान में ही जवाब देगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर, पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान J20 चाइना की तरफ से तैनात किए गए हैं, लेकिन भारत के पास उससे भी ज्यादा शक्तिशाली विमान है जिससे चीन को पटकनी देने के लिए भारत तैयार है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां भारत और चाइना के बीच स्थिति तनावपूर्ण और भारत ने भी बॉर्डर पर सुरक्षा को कड़ा रखा है और अब खबर मिल रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। तो इस वक्त की ये अहम खबर। और इस बीच आपको बता दें कि चाइना की तरफ से जो उकसाने वाली कार्रवाई और बयान दिए जा रहे हैं उसका जवाब भारत दे रहा है और उसके लिए अब रणनीति भी बन रही है, जहां राजनाथ सिंह इस वक्त हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। और इस पूरी स्थिति पर बात करने के लिए हमारे साथ दो विशेषज्ञ मौजूद हैं। हमारे साथ है रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है शैलेंद्र सिंह जी जनसत्य न्यूज पर, और साथ ही रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले सहगल जी आपसे जानना चाहेंगे, सभी बयानों को जो चाइना की तरफ से भड़काऊ कदम उठाए जा रहे हैं उन्हें आपने देखा है, आखिर चाइना क्या चाहता है, क्या चीन भारत से युद्ध चाहता है? ये बड़ा जबरदस्त लॉस ऑफ फेस हुआ है। गलवान में उसने धोखेबाजी से हिंदुस्तान के निहत्थे लोगों के ऊपर हमला किया, लेकिन जो जवाबी कार्रवाई हमने की, चीन के हमसे दुगने से भी ज्यादा लोग मारे गए, जिसका चीन ने वर्णन भी नहीं किया, लेकिन अभी तक साफ तौर पर टीवी चैनल दिखा रहे हैं कि 36 से 106 ग्रेव्स हैं, जिसमें चाइना में काफ़ी से ज़्यादा नाराजगी है लोगों की। अभी ये जो 29-30 रात को हुआ, इसमें हमने किसी प्रकार का कोई हथियार नहीं इस्तेमाल किया, कोई धोखेबाजी नहीं इस्तेमाल की, लेकिन चीन को हम कम्प्लीटली आउटफिट और आउटस्मार्ट किया। पूरी दुनिया जानती है कि चीन जो है पूरी तरह से हिंदुस्तान के सामने फिर से पिछड़ गया है। इससे चीन की फौज का
और उसकी लीडरशिप का बहुत ज़बरदस्त लॉस ऑफ फेस हुआ है और इस लॉस ऑफ फेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। वो कह रहा है कि हिंदुस्तान की फ़ौज ने LAC क्रॉस किया है और ये एरिया जो है वो चाइना के पास में है। पहली बात है, चाइना ने 1962 के बाद में अनेकों बार हिंदुस्तान ने कोशिश की है बॉर्डर को डिलीनेट करने के लिए। चाइना ने किसी प्रकार की कोई कीननेस दिखाई नहीं बॉर्डर डिलीनेट करने के लिए। LAC कहाँ है वो कोई नहीं जानता। उसकी परसेप्शन के मुताबिक LAC वो उसके उसके एरिया में है। जी, हमारे मुताबिक जी, जो बात आप कह रहे हैं, क्योंकि जो हमारा बॉर्डर है वो अभी फिक्स नहीं है, किसकी सीमा कहां पर खत्म होती है, कहां से शुरू होती है, ये निर्धारित नहीं है और इसी का फायदा चाइना लगातार उठा रहा है। और हाल ही में वो एक विदेशी यात्रा पर उसके जो अधिकारी गए उन्होंने भी कहा कि भारत और चीन के बीच जो चल रहा है वो इस वजह से है कि अनडिफाइंड बॉर्डर है भारत और चाइना के बीच, लेकिन इसका बेजा इस्तेमाल चाइना करता है। और कर्नल शैलेंद्र, मैं आपसे जरूर ये जानना चाहूंगी कि चाइना के विदेश मंत्री हो या फिर चाइना का जो टाइम्स पत्र का जो उनका पत्र है, अखबार है, उसकी तरफ से, ग्लोबल टाइम्स की तरफ से कहा गया है कि 1962 से भी बड़ा झटका और उससे 1962 से बड़ी विफलता देखेगा भारत अगर चाइना से उलझता है। क्या है आखिर चाइना के इन भड़काऊ बयानों के पीछे की हकीकत? वेरी गुड। अगर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर उनका ऑफिशियल न्यूज़पेपर इस तरह की बात करता है, बड़ी अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि हम देख लें कि 1962 से ज्यादा बड़ा झटका किसे लगता है, क्योंकि झटका किसी को लग जरूर रहा है और लगता जा रहा है कंटिन्यूअसली। बढ़िया बात यह है, मुझे बताइए, चाइना बिल्कुल मान ही नहीं रहा कि जितने उसने हमारे साथ एग्रीमेंट करे हैं कि वो लागू करे, कोई बात नहीं। हम उसे इज्जत दे, प्रेसिडेंट को यहां बुलाकर उसे वो रास नहीं आती, आप इस तरह काम करते हैं, हम आपके साथ ट्रेड में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, आपको प्रॉफिट्स मिल रहे थे, आपको रास नहीं आ रही, आप चाहते हैं हम उसे बंद करें। झटका लगेगा, जरूर लगेगा। आर्मी लेवल की टॉक करते हैं हम, आप उसका कोई आदर नहीं करते। ब्रिगेड कमांडर लेवल की टॉक करते हैं, उसका आप आदर नहीं करते। हमारे NSA आपके डिफेंस फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत करते हैं, एक आप प्रीसेंट ट्रैंक्विलिटी की बात करते हैं, लेकिन आप ग्राउंड पर उसकी इज्जत नहीं करते। मेरा सुझाव है कि जो पीस और ट्रैंक्विलिटी का जो एग्जाम्पल हमने 29 और 30 तारीख की रात को जो दिया है, और मैं कहता हूं कि आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि चलिए मैं चाइना की ये बात मान लेता हूं कि ये हमने किया है, झटका किसे लग रहा है? देखिए, ये बात मैं शुरू से कह रहा हूं, आप अपने राफेल उड़ाइए, चिनूक उड़ाइए, अपाचे उड़ाइए, आप अपने रडाइए, कुछ भी लगाइए, अल्टीमेटली सेगल सर्वे से एग्री करेंगे, जमीन पर जो खड़ा होगा बात मानी उसकी जाएगी। ट्रेड करते समय आपको एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ लेनी पड़ती है, और अगर 14-15 गलवान का जो पीपी का इंसिडेंस है और अगर उसी तरह का इंसिडेंस अब का है, दोनों अपने आप में डिफरेंट है, लेकिन ये कैरेक्टर दिखाते हैं इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन आर्मी का। अब हम जमीन पर खड़े होकर आपसे बात करें, क्योंकि हमने सारे तरीके अपना लिए, आप नहीं मान रहे, हम वो सारे दरवाजे आपके लिए खुले रखेंगे। जब भी हमारी बात होती है तो हल यही निकलता है कि बातचीत के माध्यम से ही ये पूरा मसला हल होगा, लेकिन पीके सहगल सर, चीन तो बातचीत की भाषा समझ नहीं रहा है। चाइना की तरफ से जो G20 विमान तैनात किए गए हैं, पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान तैनात कर दिए गए हैं, इससे क्या हम समझे? क्या चाइना दबाव और यहाँ प्रेशर बनाने की कोशिश भारत के साथ कर रहा है बॉर्डर पर? चीन बिल्कुल वही कोशिश कर रहा है जो डोकलाम के समय कर रहा था, वो हमारे ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जो मौजूदा सरकार है और जो मौजूदा फौज है किसी भी प्रेशर में नहीं आने वाली। हम कूल, काम एंड कलेक्टेड हैं। हमने साफ तौर पे कहा है चाइना को कि हम किसी प्रकार का युद्ध नहीं चाहते, हम तो एक्सपेंशनिस्ट देश नहीं है, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी चाहते हैं और हर मसले का हल जो है बातचीत से होगा। लेकिन अगर आप हमारे को धमकी देते हो या युद्ध का युद्ध हो पा गया तो आपको गलत फहमी है कि 1962 दोहराया जाएगा। हम आपको ऐसी मार लगाएंगे जिससे आपकी छवि जो है और गिर जाएगी। हिंदुस्तान का जो सैनिक है आज तकरीबन 2.25 लाख फौज जो वहाँ है वो हर प्रकार से एक्लेमेटाइज है, टेरेन से फेमिलियर है, वातावरण से फेमिलियर है,
बैटल टेस्टेड है, उनकी लीडरशिप बहुत तकड़ी है, मोराल बड़ा तकड़ा है। और चाइना को सैनिकों की ताकत को बढ़ाने के लिए पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदने की भी सरकार तैयारी कर रही है, तो एक प्रेशर यहाँ भारत की तरफ से भी चाइना बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं इस पर जरूर आपसे इस पर टिप्पणी लूंगी, लेकिन शैलेंद्र जी मैं आपसे जरूर जानना चाहती हूं कि इस वक्त जो भारत के अंदर बैठकों का दौर शुरू हो गया है, क्या लग रहा है कि कुछ स्थिति और ज्यादा गंभीर बन गई है? पहले एनएसए की तरफ से एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई जाती है, अधिकारियों के साथ बैठक हुई, और अब इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी एक बैठक ले रहे हैं, क्या चल रहा है इस वक्त बॉर्डर पर? मैं बैठक से पहले अगर आप इजाजत दें 10 सेकंड में, सेगल सर ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि हम पीस और ट्रैंक्विलिटी चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, शुरू से चाहते रहे, लेकिन अब हमने पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को इन्वेंट करने के तरीके आपसे सीख लिए हैं, और अब हम वो पीस और ट्रैंक्विलिटी चाइना आपको आपकी ही भाषा में आपके ही तरीकों से वापस दे रहे हैं। अब आपको अच्छा नहीं लग रहा है, अब आपको उसमें झटके लग रहे हैं, 1962 याद आ रहा है, देख लेते हैं क्या होगा। जहां तक है बात डिफेंस मिनिस्टर साहब की, देखिए जब भी कभी बॉर्डर से रिलेटेड कोई बड़ा काम होता है तो जायज बात है एक डिफेंस मिनिस्टर को, एक आर्मी हेडक्वार्टर को, एक पूरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को बैठकर ये जरूर डिसाइड करना होता है। और इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेस होती है उसमें क्या डिसाइड होता है, उसमें डिसाइड होता है हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, चाइना के पास क्या ऑप्शंस हैं, उन चाइना के ऑप्शंस के लिए हमारी क्या तैयारी है। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी जगह हम कमजोर हैं या कोई हमारी कमी है, उसे हम पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारी रेडीनेस क्या है। और जब हम रेडीनेस की बात करते हैं तो इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस में डिसाइड होता है कि अगर रेडीनेस की बात कर रहे हैं तो सिर्फ चाइना रिलेटेड लद्दाख की बात नहीं होगी, फिर चाइना रिलेटेड नॉर्थ ईस्ट की भी बात होगी, पाकिस्तान रिलेटेड पूरे के पूरे बॉर्डर्स की भी बात होगी, टेररिज्म की भी बात होगी, इसी तरह हमारी क्या क्रिटिकल डेफिशिएंसीज हैं और अगर हैं तो उन्हें कितना जल्दी पूरा किया जा सकता है। क्योंकि अगर इस तरह के जब बादल मंडराने लगते हैं जो एक अपने आप में इंडिकेशन देते हैं कि किसी भी समय सिचुएशन खराब हो सकती है। देखिए जो 29 और 30 की रात का था भाई, ना तो उन्होंने हमें नोटिस दिया था, ना उन्होंने हमने कोई इंडिकेशन दिया था, उन्होंने कर दिया। ये इस तरह की चीजों के लिए जो आपकी क्रिटिकल डेफिशिएंसी है वो जरूर पूरी होनी चाहिए, तेजी से पूरी होनी चाहिए। आपकी ट्रुप्स रिक्वायरमेंट और मूवमेंट क्या है, जैसा सर ने बोला फुली एक्लेमेटाइज ट्रुप्स हैं या नहीं है, उनकी इंटरनल मूवमेंट कितना टाइम लगेगा वगैरह वगैरह। इस तरह की बातों का फायदा ये होता है कि जो ट्रुप्स ऑन ग्राउंड डिप्लॉयड हैं और उनकी जो जरूरतें हैं क्रिटिकल, आर्मी हेडक्वार्टर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और डिफेंस मिनिस्टर जल्दी से जल्दी पूरा करते हैं, क्योंकि ये संज्ञान में लाया जाता है कि यस ये चीजें बहुत जरूरी है। तो इस तरह की मीटिंग होना अपने आप में एक इंडिकेटर है चाइना को, पाकिस्तान को और पूरे वर्ल्ड को, वो एक्टिव है और लगातार बनाए हुए हैं, और चाइना को उसी की भाषा में जवाब दिया जाता रहा है और अब भी उसकी पूरी तैयारी है। पीके सहगल जी, इससे पहले जो मैंने जिक्र किया था कि किस तरह से पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदने की अब भारत सरकार तैयारी कर रही है, इसका क्या महत्व होगा, कैसे ये हमारी शक्ति को बढ़ाएगा? देखो ये रॉकेट लॉन्चर की बटालियंस हैं, ये 6-6 नई रेजिमेंट्स रेज की जाएंगी, लेकिन 2024 तक आएंगी। अगर चाइना के साथ आज मुठभेड़ होती है तो दे विल नॉट बी अवेलेबल। इसी प्रकार बहुत सारा और इक्विपमेंट जो है ऑर्डर किया जा रहा है, लेकिन उनको आने में काफ़ी समय होगा। आज सिचुएशन बॉर्डर के ऊपर काफ़ी टेंस है और हम साफ तौर पर चाइना को दर्शाना चाहते हैं कि वी आर फुली प्रिपेयर्ड। द बेस्ट वे टू इंश्योर पीस इज टू लेट द एनिमी नो दैट यू आर फुली प्रिपेयर्ड टू गिव हिम अ वेरी सॉलिड बीटिंग। और हिंदुस्तान साफ तौर पर दर्शाना चाहता है कि हम हर प्रकार से तैयार हैं, हम पीस लविंग हैं, लेकिन अगर आप लड़ाई करना चाहते हैं तो फिर इसकी जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़े पैमाने पर चाइना की कंप्लीट जो है लाइफलाइन इंडियन ओशन रीजन में उसको ब्लॉक कर सकता है। हमारी नेवी ऑलरेडी पोजिशन है मलाक्का स्ट्रेट्स में और साउथ चाइना सी में, और मलाक्का स्ट्रेट को अगर हम बंद कर दें तो चाइना की 80-85% जो एनर्जी है जो मिडल ईस्ट से आती है बंद हो जाएगी। 1 लीटर ऑयल या 1 क्यूबिक मीटर गैस नहीं जाएगी, जिससे चाइना की इकोनॉमी और बैठ जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, और सरकार के खिलाफ जो वहाँ पे लोग जीपेंग से नाराज हैं वो नाराजगी भी बहुत बढ़ जाएगी। हिंदुस्तान के पास और भी बहुत सारे विकल्प हैं, पॉलिटिकल विकल्प हैं, डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हैं, मिलिट्री ऑप्शंस हैं और इकोनॉमिक ऑप्शंस हैं। मेरे मुताबिक हिंदुस्तान
किसी प्रकार से कोई मिलिट्री ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करना चाहेगा अनलेस एंड अंटिल इट इज फोर्स्ड अपॉन अस बाय द एनिमी। जी, हमारे पास पॉलिटिकल ऑप्शन है। कोशिश चाइना इस वक्त करता दिख रहा है। सहगल जी, एक और सवाल महत्वपूर्ण पूछूंगी मैं आगे, लेकिन इस बीच वो बयान भी मैं यहां लाना चाहती हूं जो कि चाइना के विदेश मंत्री की तरफ से दिया गया है, और शैलेंद्र जी आप इस पर जरूर जवाब दें। उन्होंने कहा है कि भारत चीन बॉर्डर विवाद अगर अभी नहीं सुलझा तो हमेशा दिक्कतें रहेंगी। क्या चीन के जो तरीके हैं ये इस विवाद को सुलझाने के लिए है? देखिए, जो फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं ये बात उन्होंने पहले जब हमारे एनएसए ने उनसे बात करी थी उन्होंने तब भी कहा कि वी वांट पीस, लेकिन पिछले 3 महीने से हम देख रहे हैं कि चाइना का पीस और ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या है ग्राउंड पर। क्योंकि देखिए, जब तक चीजें ग्राउंड पर मूव नहीं होंगी बातों से काम नहीं चलेगा। बातें इनिशिएट करती हैं, ग्राउंड पर मूवमेंट दिखाता है एक्चुअल इंटेंट का, और वो इंटेंट काफी समय से क्लियर हो गया है। ठीक है, बातचीत का दरवाजा हम फिर भी खुला रखेंगे, लेकिन इंटेंट बड़ा क्लैरिटी के साथ दिख रहा है कि आप डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन तो जब करेंगे, यहां तो आप एग्रेशन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आपका जो इंटेंट है अब कोई लिखकर तो देगा नहीं चाइना कि हमारा एक्चुअली, हमें भी कोई टेलीफोन कॉल करके तो पता करना नहीं है। जो आप ग्राउंड पर मूवमेंट कर रहे हैं, एग्रेसिव मूवमेंट कर रहे हैं, रात को मूवमेंट कर रहे हैं, तो भाई अब आप एक बात बताइए ना, आप अपने तरफ से चले हमारी तरफ, आप अब सोच रहे हैं हम वेट करेंगे कि आप आएंगे ऑक्यूपाई करेंगे और उसके बाद हम आपको हटाएंगे। हमने आपसे पहले आकर वो जगह ऑक्यूपाई कर ली जिसको आप ऑक्यूपाई करने वाले थे। ये आपका तरीका है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का, हमने सीख लिया। आप चाहते हैं इसी तरह बातचीत करें, हम इसी तरह आज के बाद बातचीत करेंगे और हर जगह करेंगे। अब हम और ये पॉलिसी डिक्लेयर्ड हो जाएगी, वो बातें हैं जो कि चाइना को अब पसंद नहीं आ रही है, इस वजह से उसकी बौखलाहट बढ़ती जा रही है। और जिस बात का जिक्र पीके सहगल जी, मैं जरूर ये बात आपसे जानना चाहूंगी कि जिस पेंगोंग के दक्षिणी हिस्से पर आप कब्जा करने की और उससे आगे बढ़ने की कोशिश की थी चाइनीज सैनिक, आखिर उसका महत्व क्या है? क्यों इस क्षेत्र को अब चाइना की तरफ से चुना गया घुसपैठ के लिए? देखो, इससे पहले कि इसका मैं जवाब दूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं 3 साल के लिए उसी इलाके में हेलीकॉप्टर यूनिट कमांडर था, और जहां पे इस समय ये गड़बड़ हो रही है वहां पे मैं कम से कम 100 बारी से ज्यादा गया हूं। जी, तो आप बेहतर समझाएंगे जी, सहगल सर। ये स्ट्रेटेजिक हाइट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेक्टिकली एंड स्ट्रेटेजिकली, इसको पकड़ लिया हमने। इससे हम जो साउथ सदर्न पोजिशन है उसको डोमिनेट कर रहे हैं, जो चाइना की फिंगर 4 से 8 की पोजिशन है नीचे वाली पोजिशन उनको डोमिनेट कर रहे हैं। अगर चाइना इन हाइट्स को पकड़ लेता तो हमारे लिए बहुत जबरदस्त मुसीबत हो जाती और चाइना के लिए बहुत एडवांटेज हो जाता। वो जो है चुशूल टाउन को डोमिनेट करता, हमारे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो चुशूल एरिया में उसको डोमिनेट करता, हमारी जो एयर स्ट्रिप है वो एक किस्म से अनयूजफुल हो जाती। उसको बहुत जबरदस्त टैक्टिकल एडवांटेज होना था, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होना था, और उसने किसी हालत में वहां से हटना नहीं था। हमने उसको जवाबी जो कार्रवाई की उसको उसी भाषा में जिसको आज तक वो समझा नहीं, क्योंकि उसको एक्सपेक्टेशन नहीं था कि हिंदुस्तान इस माफी की कार्रवाई कर सकता है। हमने बड़े सोच समझ कर 3 दिन पहले एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की बटालियन को उत्तराखंड से मूव किया, जो टिबेटन ट्रुप्स हैं एस्टेब्लिशमेंट 22 के, और उन्होंने उन हाइट्स को, स्ट्रेटेजिक हाइट्स को पहले ही लिया था, और हम हर प्रकार से चाइना के लिए हमने ट्रैप किया हुआ था। जब चाइनीज ट्रुप्स आए तकरीबन 200 की तादाद में, हमने बड़ी आसानी से बिना गोली चलाए, बिना कोई आपसी संघर्ष के उनको पुशबैक किया। जिस माफी की सक्सेस हमने हासिल की, चाइना सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वो पिछड़ जाएगा इस माफी। और जैसे कि मैंने कहा, वो स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर चाइना उसको पकड़ लेता तो चाइना दोनों साइड को देख के आ जाता और हमारे लिए जो बहुत ही जबरदस्त खतरा होता। बिल्कुल खतरा होता, लेकिन उसे नहीं दिया गया। कर्नल शैलेंद्र, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? लेकिन जो पीके सहगल जी ने बताई है इम्पोर्टेंस उस क्षेत्र की, वहां पर भारतीय सैनिकों ने अपनी पकड़ को और मजबूत बनाया है, और साथ ही ये भी बताया गया कि जो ब्लैक टॉप पोस्ट है उसके करीब भारतीय सैनिकों ने चीनी कैमरे जो इक्विपमेंट लगे थे वो भी हटा दिए, जो कि चाइना की तरफ से सर्विलांस के लिए लगाए जाते थे। इस पर भी थोड़ी जानकारी दें शैलेंद्र जी, और जो बात आप कहना चाहते थे उसे भी जरूर कहें। देखिए, सर ने बिल्कुल अच्छा बताया, स्ट्रैटेजिक जो चीजें हैं, एक मैं सिर्फ ऐड करता हूं जो सर को शायद याद आ जाए। सदर्न बैंक ऑफ पेंगोंग त्सो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि ये अपनी आप अकेली जगह है जहां से हम
नॉर्दर्न बैंक के फिंगर 4 से लेके 8 तक के इलाके को ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं, क्योंकि इस समय 5 से लेकर 8 के बीच में जिस तरह की डिप्लॉयमेंट और जिस तरह की फर्म डिप्लॉयमेंट चाइना कर चुका है, अगर उसके ऊपर किसी भी तरह की चोट लानी है तो हम सदर्न बैंक से ऑब्जर्वेशन में बड़े आराम से ला सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, जब अगर वो सदर्न बैंक ले लेता है किसी भी वजह से, तो उसको एक टैक्टिकल एडवांटेज ये भी हो जाता है कि नॉर्दर्न बैंक में फिंगर 4 से अगर 3 तरफ वो चलना चाहेगा तो उसके पास चलने को जगह ही नहीं है। वो जो एक छोटा सा क्लाइम है, और जैसा हम जब फिंगर 3 से 4 की तरफ जाते हैं पेट्रोलिंग करने के लिए, तो ये जो छोटा सा क्लाइम है और जो एरिया है उसमें 3 आदमी इकट्ठे पैदल नहीं चल सकते, वो इतना सकरा है। उल्टे हाथ पर आपके पहाड़ है, सीधे वाले हाथ पर आपके लेक है और वो कटिंग है, तो इस वजह से कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आप एक कोई वायबल फोर्स नॉर्दर्न बैंक से अंदर की तरफ ले। सदर्न बैंक अपने आप में इस वजह से एक स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जो इंडिया के पास है, ट्रेडिशनली इंडिया के पास है, आज तक कभी कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ है उसको, क्योंकि जो 45 किलोमीटर पेंगेंगसो हमारे पास है उसके अंदर अगर किसी भी तरह से चाइना को आना है और उसके बिना अंदर आए वो आ भी नहीं सकता। इस वजह से उसका हमेशा एम रहेगा कि अब कम से कम सदर्न बैंक की तरफ वो किसी तरह का कोई फुटहोल्ड ले ले। ये एक अपने आप में बड़ा रीजन है कि उसने सडनली ये सदर्न बैंक वाला काम करने की कोशिश करी है, जो जायज बात है, नाकाम हुआ है, क्योंकि फौज हमारी देख सकती है जहां सहज है वहां पर कोई सवाल ही नहीं उठता। और मैं तो कहता हूं एक स्टेप और, इंडियन आर्मी को इस समय वो डिक्टेट मिलना चाहिए जहां हो सके जैसे हो सके अपनी जमीन अपने हाथ में रखनी। जी बिल्कुल, यही कोशिश की जा रही है भारतीय सैनिकों की तरफ से और सरकार की तरफ से। पीके सहगल जी, आप इसमें क्या जोड़ना चाहते हैं? फ्री हैंड तो दिया ही हुआ है भारत सरकार की तरफ से सेना को कि अपनी जमीन बचाने के लिए ना तो हम किसी की जमीन का अतिक्रमण करेंगे, ना तो वहां पर जाएंगे, ना घुसपैठ करेंगे, लेकिन अपनी सुरक्षा करने के लिए भारत काबिल है, ये पहले ही भारतीय सरकार की तरफ से कहा जा चुका है। आपको क्या लगता है इस स्थिति को देखते हुए भारत के क्या महत्वपूर्ण कदम हो चाहिए, क्या उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए? देखो, हमारी प्रायोरिटी है, और सरकार ने, डिफेंस मिनिस्टर ने, सीडीएस ने बार बार कही है कि हम किसी प्रकार से जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं उसको नहीं रोकेंगे चीन के प्रेशर के नीचे। दूसरा, हम अपनी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम अपनी एक इंच भी जमीन को नहीं लेने देंगे जी। और उसको कायम रखने के लिए हम हर प्रकार से तैयार हैं। हमारी जितना भी जमावड़ा हुआ है वो वास्तव में अपनी इंटेग्रिटी को, अपनी होमोजेनिटी को कायम रखने के लिए है। और अगर चीन ने हमको चैलेंज किया, हम बार बार कह रहे हैं कि हम पीस लविंग है, हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन अगर आप लड़ाई हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं तो हम हर प्रकार से तैयार हैं। और बड़ा लाजमी है कि दुश्मन को साफ तौर पर नज़र आए कि हिंदुस्तान की एयरफोर्स, हिंदुस्तान की नेवी और हिंदुस्तान की आर्मी हर प्रकार से चुकन्नी है, हर प्रकार से तैयार है, और उसको उसी माफिक जवाबी कार्रवाई करेगी जैसे 67 में हमने याकला में किया था चोला में, और 1984-85 में सुमद्रोंगचू में। दोनों बारी चीन ने हमको ललकारा था, दोनों बारी उसको मुंह की खानी पड़ी, और यहाँ तक कि आज तक उसने अपने अपने लोगों को बताया भी नहीं कि क्या हुआ। जहाँ तक जाकला का तल्लु था, उसने अचानक हमारे ऊपर गोली चलाई जिसमें हमारे 4 ऑफिसर और 80 जवान मारे गए। हमने जो जवाबी कार्रवाई की उसमें 300 चीनी मारे गए और 1200 घायल हुए, लेकिन चीन ने आज तक उसका जिक्र भी नहीं किया। उसी माफिक सुमद्रोंगचू में भी उसने हमसे मार खाई। 79 में वियतनाम को लेसन सिखाने गया था और उल्टा लेसन सीख लिया। 1996 में उसूरी रिवर में उसने रशिया को चैलेंज किया था, उस समय सोवियत यूनियन, और 48 घंटे के अंदर उसके घुटने टिक गए थे। वहाँ में चीन की फौज जो है उनको किसी प्रकार का कोई युद्ध का तजर्बा नहीं है, उसका एक भी सैनिक या एक भी ऑफिसर जो है फ्रॉम द हाईएस्ट रैंक टू द लोएस्ट, उसको एक दिन का भी वॉर एक्सपीरियंस नहीं है जी। वो पेपर टाइगर हैं, अपने आप को बड़ा अकलमंद समझते हैं, लेकिन ग्राउंड पर किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं है। हमारा जो अच्छा सैनिक उससे बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया है पीके सहगल जी की, पेपर टाइगर हैं। और कर्नल शैलेंद्र, आप जरूर इस पर कुछ जोड़ना चाहेंगे। ये जो पेपर टाइगर हैं ये तभी दहाड़ते हैं जब चाइना के
अंदर, जब देश के अंदर जो जनता है उसमें अनरेस्ट होता है, सरकार सवाल पूछे जाते हैं, तब ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की हरकतें चाइना की तरफ से की जाती हैं। तो ये पेपर टाइगर की पहले की स्ट्रेटजी है जिस पर हमेशा चलता है चाइना, और उसका क्या अंजाम भुगतना पड़ा है समय समय पर, ये पीके सहगल सर ने भी बता दिया है। देखिए, चाइना अपने इंटरनली क्या कर रहा है मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं, लेकिन आपके सवाल का जवाब मेरे पास है। जब आपने कहा कि अब इंडिया को क्या करना चाहिए, जी, इंडिया की पॉलिटिकली दो जिम्मेवारी है। सरकार जो चेयर पर है उसे बिल्कुल इस चीज को फॉर्मली चाइना के साथ रेज करना चाहिए, इंडिया को, इंडियन आर्मी को एक फ्री हैंड देना चाहिए। ऑपोजिशन की है, हर चीज पर सवाल मत करिए, कभी तो देश के साथ खड़े होइए, डिप्लोमेटिकली बुलाइए चाइनीज अम्बेसडर को अपने यहां, अपने ऑफिस में समन करिए, प्रोटेस्ट दीजिए हर बार, जितनी बार वो इस तरह की काम करता है। जो हमारा अम्बेसडर चाइना में है वो उनके गवर्नमेंट के पास जाकर प्रोटेस्ट लॉन्च करना चाहिए, रिटर्न प्रोटेस्ट देना चाहिए, जो एडवर्टाइज हो कि ये चीजें आप गलत कर रहे हैं। मिलिट्री को उसका काम करने दीजिए, सिंपल बात, मत करिए उसमें कहीं, उसकी जरूरतों को पूरा करिए, सबसे बड़ी बात है। फर्मनेस, बहुत फर्म होना चाहिए। पब्लिक सपोर्ट हमें इसलिए चाहिए कि अंटिल अनलेस आप इकोनॉमिकली चाइना को नहीं आप दिक्कत पहुंचाओगे, चाइना को कुछ समझ नहीं आए। पब्लिक का बहुत बड़ा रोल है, मीडिया जैसे आप कवर कर रहे हैं, पॉजिटिवली कवर करिए, निगेटिवली भी कवर कर लीजिए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बट चीजों को इवेलुएट करिए, इसमें हर चीज में क्रिटिसिज्म आने की जरूरत नहीं है। इंडस्ट्री, बड़े दुख की बात है, चार दिन पहले हमारी रबर इंडस्ट्री ने परमिशन मांगी गवर्नमेंट से और परमिशन ले ली कि हम चाइना के टायर इंपोर्ट करेंगे। ये जब है जबकि हमारे अपने देश के अंदर टायर बनाने की कोई कमी है, लेकिन उनका कहना है इंडस्ट्री का कि हमारे पास एसयूवी में जितने भी टायर लगते हैं वो सारे के सारे चाइनीज हैं। देखिए, इंडस्ट्री को भी अपना अपग्रेड करना पड़ेगा जिससे कि आप चाइना के खिलाफ होलिस्टिकली खड़े हो, सिर्फ मिलिटरली या एक छोटे मोटे ये जो इस तरह के इंसिडेंट्स हैं। क्षेत्रों में चाइना के खिलाफ युद्ध छेड़ने की जरूरत है जिससे उसे ये आप कहना चाहते हैं। अंत में पीके सहगल जी, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि इस स्थिति में क्या आगे भारत के कदम होंगे और उस पर हो सकते हैं, इस पर आप हमें कुछ जानकारी दे सके, और क्या वाकई स्थिति इतनी गंभीर है कि और ज्यादा चाइना की तरफ से इस तरह की हरकतें की जा सकती हैं जिस पर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन और कुछ सीरियस एक्शन लेने पड़े। देखो, स्थिति तो डेफिनेटली गंभीर है, लेकिन साफ तौर पे कहा जाता है कि जो गरजते हैं सो बरसते नहीं। अगर आप डोकलाम में के समय का ध्यान दें तो 87 डेज में चाइना ने एक बार ही नहीं अनेकों बार हिंदुस्तान को धमकी दी, अनेकों बार उन्होंने 1962 युद्ध का याद कराया और कहा कि इस बार उससे भी बदतर हालत होंगे। हाँ। हम काम है, कूल है, कंपोज्ड है, और बड़ा सोच समझ के हमारा मीडिया रिएक्ट करता है, हमारी सरकार रिएक्ट करती है, हमारी फौज, हम ज्यादा भाषणबाजी नहीं बिलीव करते, हम वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन द ग्राउंड, वी आर वेरी फर्म, और हमको नेशनल लेवल पर हर प्रकार से पब्लिक का सपोर्ट है। मीडिया जो है आज के माहौल में बड़ा पावरफुल फोर्स मल्टीप्लायर है। हमारा मीडिया जो है हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की फौज को बहुत ही उच्च तरीके से प्रोजेक्ट कर रहा है, जिससे चाइना जो है काफ़ी से ज़्यादा बुखलाया हुआ है। लेकिन हमारे पास कुछ और विकल्प भी हैं। अगर आपको याद है, कल सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अभी हिंदुस्तान को चाइना को पनिश करने के लिए कुछ और कार्रवाई करनी पड़ी है। चाइना की चार बहुत बड़ी सेंसिटिविटीज और वल्नरेबिलिटी है। सबसे बड़ी उसकी वल्नरेबिलिटी है ताइवान। अभी समय आ गया कि हिंदुस्तान जो है ताइवान को डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम करे। जैसे ही हिंदुस्तान कायम करेगा, कम से कम 30-40 देश विद इन 48-72 आवर्स उसको रिकग्नाइज करेंगे। दूसरा, तिब्बत, हिंदुस्तान को तिब्बत को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित करना चाहिए। अगर हम करते हैं तो वंस अगेन चाइना वुड बी इन ग्रेट ट्रबल एंड गुरिल्ला वॉरफेयर वहाँ स्टार्ट हो सकती है। तीसरा जो है उसकी बड़ी जबरदस्त वल्नरेबिलिटी है, जो सिंकियांग और उघूर में मुस्लिम के खिलाफ जुल्म ढा रहा है, हिंदुस्तान उतनी बड़े तरीके से उसको एक्सपोज नहीं कर रहा जैसे पाकिस्तान को कर रहा था। चौथा जो है हांगकांग में जिस मामले की कार्रवाई हो रही है उसको भी बड़े पैमाने पर हमने उठाना है। ये तो पॉलिटिकल ऑप्शन थे, इसके अलावा डिप्लोमेटिकली हम चाइना को उसी माफी का अलग थल कर सकते हैं जैसे हमने पाकिस्तान को किया। इस समय सारी दुनिया हमारे साथ है, चाइना के साथ सिवाय पाकिस्तान और शायद नॉर्थ कोरिया कोई भी देश उसके साथ नहीं है। उसका जो सो कॉल्ड फ्रेंड रशिया भी है, वो किसी भी हालत में चाइना को सपोर्ट नहीं करेगा जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है। अगर आपको याद होगा तो चाइना ने बड़ी कोशिश की
जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर वहाँ गए थे, उन्होंने कहा कि S-400 को स्पीड अप कर दीजिए डिलीवरी। चाइना ने बड़ी कोशिश की, प्रेशराइज किया रशिया को कि हिंदुस्तान की डिलीवरी को स्पीड अप नहीं किया। उन्होंने उसको आश्वासन दिया कि 2021 तक आपको डिलीवरी शुरू हो जाएगी, और वास्तव में चाइना को जो फर्दर डिलीवरीज थी उसको रोक दिया जी। दूसरे लफ्जों में साथ में से चाइना ने व्लादिवोस्टोक को क्लेम किया। रशिया ने साफ तौर पर कहा कि अगर चाइना ने कोई भी गलती की अगेंस्ट रशिया तो जवाबी कार्रवाई जो है रशिया जो है एटॉमिक बम के माध्यम से करेगा, क्योंकि रशिया की पॉपुलेशन केवल 150 मिलियन है, चाइना की लगभग 1400 मिलियन है, और आने वाले समय में रशिया के लिए सबसे बड़ा खतरा चाइना को है। इस समय बिकॉज ऑफ वेस्टर्न सैंक्शंस रशिया मजबूरन चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है इकोनॉमिकली टू सम एक्सटेंट, लेकिन चाइना रशिया जो कभी भी चाइना को ट्रस्ट नहीं करेगा, और खास करके हिंदुस्तान के खिलाफ तो कभी भी चाइना की मदद नहीं करेगा जी। ऐसे में हिंदुस्तान जो है बड़े फॉर्म फुटिंग पर है, हमको उनकी जो वार्निंग्स है उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, ये अंत में आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं, किस तरह की स्ट्रेटेजी भारत की है और क्या चीजें हैं जो भारत को फेवर करती हैं, लेकिन जो बात आपने अहम कही है कि कभी भी अपने शत्रु को कम नहीं आंकना चाहिए और ये गलती कभी भारत भी नहीं करेगा, और इसके लिए जरूरी है स्ट्रेटेजी बनाना, रणनीति बनाना, जो कि इस वक्त मंत्रियों और अधिकारियों के बीच में चल रही है। पीके सहगल सर और कर्नल शैलेंद्र जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और इस जटिल मुद्दे पर, इस गंभीर मुद्दे पर इतने आसान तरीके से आपने पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू वेरी मच। तो चाइना और भारत के बॉर्डर पर इस वक्त स्थिति तनावपूर्ण है। भारत के अंदर जहां लगातार बैठकें हो रही हैं, वहीं चाइना बॉर्डर पर अपने लड़ाकू विमान तैनात कर रहा है। ऐसे में इस स्थिति, बदलती हुई स्थिति की पल पल अपडेट आपको जनसत्य न्यूज पर ही मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। यह आपको पसंद आई हो पेशकश तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट में लिखें। नमस्कार।